है कि मैं उर्दू में बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, चॉइस हो तो मैं इंग्लिश में बोलूं, लेकिन ऐसी महफिल में अच्छा नहीं लगता कि अब मैं अंग्रेजी की तरफ रिवर्ट हो जाऊं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी कि जिस तरह भी हो सके मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। मेरा तारुफ रे साहब के साथ बहुत दिलचस्प था। सन 1956 की बात है, जब रे साहब कराची रहते थे तो वो अपने इसी तरह एक मिशनरी टूर के सिलसिले में वो लाहौर आए, तो वहाँ उनके दोस्तों ने, अहबाब ने ये सोचा कि इनके लिए कुछ थोड़ी सी तफरी का सामान करना चाहिए, तो हमारा घर जो है इस तफरी के लिए सिलेक्ट किया गया, कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम था। तो जब मेरे वाले साहब आए और कहने लगे कि यहाँ एक महफिल होगी आज शाम को, चाय भी होगी, आप जल्दी से तैयारी कर लें, सिर्फ एक दो घंटे बाकी थे, तो मैंने ऐसे पूछा कि कौन आ रहा है, तो उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा आलिम है कुरान का। मेरा रद्दअमल इतना शदीद हुआ, मैंने कहा नहीं, इस घर में कम अज कम मुल्ला तो नहीं आ सकता। तो वाले साहब इतने परेशान किए, अब क्या किया जाए, कि मैंने कहा नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकते, आप मुल्ला को क्यों इस घर में ला रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि मुल्ला ने और इस सोसाइटी ने हमारे दिमागों पर कितना बुरा असर किया हुआ था। यानी उस वक्त मैंने नया नया एमए किया था और क्लियर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था, तो ये था मेरा एक रद्दे अमल उनके खिलाफ। बहरहाल बड़ी बहस हुई और वाले साहब ने कहा कि ये तुम्हारी बहुत हिमाकत है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बहरहाल वो आएंगे और जरूर आएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर इस घर में उतने वक्त पर नहीं रहूंगी, और फिर मैं बाहर हमसायों की चली गई, और जब तक वो इस घर से बाहर नहीं चले गए मैं वापस नहीं आई। और अब ये हालत है कि यानी कि तब से लेकर आज तक मैंने परेश आपका पीछा नहीं छोड़ा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किस तरह फिर वो मैं सही लाइन पर आई। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। एक मेरा लेक्चर था कॉलेज में अपने कोर्सेज के सिलसिले में, और वो था कि अब्बासी हुकूमत और उमैया हुकूमतें जो हैं इनका जवाल कैसे आया। तो जैसे एक होती आदत टीचर की, मैंने किताबें ढूंढनी शुरू की लाइब्रेरी से इधर उधर, मैं चाहती थी कोई अच्छा सा लेक्चर मैं लड़कियों को दूं, क्योंकि मैं नई नई पढ़ाने मैंने शुरू किया था। इत्तफाक से एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में आ गई, असबाब जवाल उम्मत, क्योंकि वालिद साहब के पास चंद एक किताबें थी, उर्दू चूंकि मेरा कोई खास वो नहीं थी उस पर अबूर, इसलिए मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। अब चूंकि पढ़ाना था मैंने उस किताब को उठाया, छोटी सी किताब थी लेकिन मेरा वो एक टर्निंग पॉइंट है जिंदगी के अंदर, वो किताब बहुत ही मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। मैंने एकदम जो उसको देखा कि ये कौन शख्स है, गुलाम अहमद परवेज, मैंने पूछा ये कौन है वाले साहब से कि आपने किताब कहाँ से ली, कहते ये वही है जिसके लिए तुम घर से बाहर भाग गई थी। बस वो दिन और आज का दिन, फिर जो सवालात की बुछाड़ मैंने शुरू की है, उस जमाने में वो कराची होते थे परवेज साहब, तो तकरीबन हर हफ्ते मेरा एक खत चला जाता था, और एक खत में कोई 10-12 सवाल तो जरूर होते थे, और ये सिलसिला यानी जब तक कि वो लाहौर नहीं आ गए ये जारी रहा। और मैंने ये नोटिस किया कि उनमें एक खास खसूसियत ये थी स्कॉलर होने की हैसियत से कि 10 सवालों का जवाब वो फौरन देते थे, और सिर्फ एक जुमला एक लफ्ज और मेरी पूरी तसल्ली हो जाती थी। तो जब वो यहाँ 1958 में यहाँ लाहौर आ गए तो सवालात वही तकरीबन हर शाम में यहाँ मौजूद होती थी, और सवाल पर सवाल, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे डॉक्टर जैदा दुरानी ने भी अभी बात की कि ये जो सवाल पूछना है और उसका बड़े सब्र से जवाब देना है, ये बहुत ही अहम चीज है एक उस्ताद के लिए। उन्होंने कभी बेचैनी नहीं जाहिर की, जो सवाल पूछा हमेशा, यहां तक कि फिर मैं अपने तालिब इल्मों को यहां मैंने लाना शुरू कर दिया, अब वो सवाल पर सवाल वो पूछती थी। मुझे याद है कि एक तालिब इल्म ने एक दफा कहा कि मैंने सवाल तो बड़ा मैं सिली सा पूछ रही हूं आपसे, आप जवाब देंगे। तो वो जो बाबा जी ने फिर जब उनको ये बात कही वो आज तक मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि कोई सिली नहीं होता, जो मर्जी तुमने पूछना है पूछो। और वाकई ये समझो 1956-57 से ले आज तक मुझे कभी भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मैंने कोई सिली स्टुपिड या इस किस्म का कोई सवाल किया। हर सवाल इंसान के लिए अहमियत रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बात थी सवालों का, अब तक वो सिलसिला जारी। दूसरी बात, जब मैंने उनको जाती तौर पर यहां देखा तो मुझे वो तस्वर जो था ना हर वक्त वो जो मुल्ला का, एक तो ये चीज है कि इनको देखते हुए इनसे बातें करते हुए एक चीज बड़ी क्लियर हो गई
कि इस्लाम के साथ मुल्ला का कोई दखल नहीं है। मेरे ख्याल मेरी जाती तौर पर अगर मुझे कोई चीज मुतमईन कर सकी है, क्योंकि एक मैं तारीख की तालिबे इल्म थी तो वहां मैं ये बार बार पढ़ती थी कि जब भी किसी कौम का जवाल आया है तो वो हमेशा एक पीस रिडन सोसाइटी होती है। ये उनकी खसूसियत है कि जहां पादरी ने, ब्राह्मण ने, मुल्ला ने अपना तसल्लुत जमाया और वहां जवाल। तो चूंकि हमें यही कुछ फीलिंग थी कि भाई इस्लाम और मुल्ला एक ही चीज है, मेरे ख्याल सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो मेरी जिंदगी में प्रे साहब ने की है वो यही है कि इस्लाम का मुल्ला से कोई दखल नहीं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे की जिद है। तो एक तो ये चीज है, और इसी लिहाज से फिर उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो मेरे लिए, मैं बहुत सेंसिटिव हूं इस मामले में, कि वो जो एक घुटन होती है एक शख्सियत के अंदर, हमारा माशरा बहुत घुटन में है, जबकि हर चीज हराम, यानी हलाल तो कोई चीज नजर ही नहीं आती, हर चीज हराम, ये भी बैन, वो भी बैन, मुझे इस कदर इस बात से तकलीफ होती थी। तो एक चीज मैंने जो इनमें नोटिस की कि इनमें वो घुटन नहीं थी, वो जो क्लोज्ड माइंड, क्लोज पर्सनालिटी, शायद अगर ऐसे होते तो शायद मैं एक दिन के बाद फिर वापस नहीं आती। तो ये जो थी ना, ये कुशादा चीज, ये खुला, अनइनहिबिटेड और एवर स्माइलिंग, यानी ये इसका असर जो था यानी बहुत इंपॉर्टेंट था, जॉयफुल जिसको कहते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये चीज नोटिस की, एक दफा कहने लगे कि यानी मैंने इनकी टेप डेस्क के ऊपर एक छोटी सी फोटो देखी, बच्ची एक स्माइल कर रही है, वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। तो मैंने कहा ये कौन है? खैर उन्होंने बताया मेरे भाई की बेटी, मेरी अपनी बेटी है। तो कहने लगे इनकी जो स्माइल है ना बच्चे की, मैं कितना भी थका हुआ हूं फिजिकली, जहनी तौर पर तो वो कभी भी नहीं थकते, लेकिन फिजिकली अगर इस किस्म की थकान हो जाए तो ये जो मुस्कुराहट है बच्चे की मुझे कई घंटों के लिए रिफ्रेश कर देती है। मुझे ये चीज इतनी पसंद आई कि मैं कभी नहीं भूली कि बच्चे की मुस्कुराहट, और वाकई वो बिल्कुल सही कहते हैं। और दूसरी बात थी म्यूजिक की, जब मैंने उनको देखा कि कहीं नहीं सिर्फ शौक ही नहीं, वो म्यूजिक के कॉनेसियर हैं, और ये दूसरी बात थी जिससे मुझ पर बहुत असर हुआ। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जिस माहौल को हम रहते हैं, जिस जो हमारा हेरिटेज है वो इतना कंफ्यूजिंग है कि म्यूजिक भी बैन, हर चीज मुस्कुराहट भी बैन है। यहां जब मैंने उसको इस अफराद से देखा तो ये वो चीज थी जो मुझे हर वक्त गर्वीदा करती रहती। फिर इसके अलावा यानी ये तो मेरे अपना यानी सवाल जवाब का सवाल था पर्सनैलिटी का, लेकिन चूंकि मेरा मजमून है तारीख और सियासत, तो जाहिर है कि जो कुछ पाकिस्तान में होता था या पाकिस्तान के बाहर, मैं हो सकता है कि आम और दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा सेंसिटिव थी। फिर मेरा ये मजमून चूंकि पढ़ाना होता था, इसका भी बड़ा असर होता है। तो यानी पिछले 35 सालों में क्या कुछ पाकिस्तान के ऊपर नहीं बीती, जो हम लोगों ने सेट बैक्स हमने एक्सपीरियंस किए हैं, जो कुछ हुआ है उसमें, एक तो 1963 की जंग है, उससे पहले एक वो इलेक्शन जो हुआ था प्रेजेंट यूब का, जिसके खिलाफ ये पूरा मुल्लाइज्म जो है यानी आगे बढ़ने की कोशिश में था काफी। फिर ये 71 की जंग, यानी ये तो एक बड़े बड़े हादसे है ना, लेकिन इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हो सकती हैं। तो ये हमारा अक्सर यानी ये मौजू रहा है बहस इस पर। इस सरसे में जो मैं चीज एम्फोसाइज करना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने इनको कभी भी मायूस नहीं देखा, कभी मायूस नहीं, कभी नाउम्मीद नहीं हुए, कभी जिसको कहते हैं ना पेसिमिज्म, फ्रस्ट्रेशन, मैंने कभी नहीं, एक जिसको कहते हैं ना एक लम्हे के लिए भी मैंने नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चारों तरफ मैं जहां भी जाती थी लोग बस पेसिमिस्टिक, होपलेस, बस गया मामला खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इनके यहां कभी यानी जिसको कहते हैं ख्याल भी नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता कि ना उम्मीदी या मायूसी भी कोई चीज होती है, और थकान का तो सवाल ही नहीं। वो जो जहनी उनका जो है विगर जो है, चाहे वो आम कॉन्वर्जेशन में हो, तकरीर में हो, या ये हर महीने जो तुम इस्लाम में जो उनके मजामीन और वो जो एडिटोरियल आते हैं, कहीं भी आप आज तक उनमें कोई थकान नहीं देखेंगे। ये जो है ना विगर, एनर्जी, डायनामिज्म, यानी शुरू से लेके आखिर तक, चाहे उनकी उम्र जब शुरू किया होगा 25-30 साल या अब तक, यानी वो जो स्टाइल है उसमें वो ही तकवियत है, डायनामिज्म है, कंसिस्टेंसी है, यानी उसमें आज तक मैंने एक जुमला नहीं देखा ऐसा जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो। और इस तरह यानी बातचीत में
ये इतनी जरूरी चीज है, क्योंकि ये तो कुरान का ये खास दावा है ना कि अगर ये इंसान की किताब होती तो इसमें तजाद होता। तो जाहिर है अब जब उस चीज को जब कोई अपनाएगा उसकी जिंदगी में भी इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट और तजाद तो हो ही नहीं सकता। और ये सबसे बड़ा सबूत था मेरे लिए कि ये किताब जो है ये वाकई इंसान की नहीं लिखी हुई। और फिर एक बात और मेरे ख्याल जो बहुत अहम है वो ये है कि प्रेसब का एक अंदाज है, बहुत सटल है, ये पता नहीं लगने देंगे आपको, वो ये है कि वो आपको हमेशा सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं। यानी ये जो एक शख्सियत होती है ना कि उस पर झुको, उस पर ये लीन करना जो होता है, इनसिक्योरिटी जो होती है, ये बहुत ही खौफनाक चीज है इंसान के अंदर। उसके सारे प्रॉब्लम्स इसी इनसिक्योरिटी से आते हैं। तो इनकी जो है ना सबसे पता नहीं लगने देते, एक जुमले से, एक लफ्ज से, बात पर सिर्फ एक एक्सप्रेशन से चेहरे के, वो आपको इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। जाहिर है वो एक प्रोसेस होता है आहिस्ता आहिस्ता, और ये मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ी इनकी खिदमत है जो भी लोग इनके साथ आए हैं, इन्होंने उनको लीन नहीं करने दिया अपने ऊपर, किसी चीज के ऊपर लीन नहीं करना। ये तो यानी वो तो मोमेंट फिर बन ही नहीं सकता ना, ना मुसलमान हो ही नहीं सकता जो कि किसी के ऊपर झुके। हम हर वक्त झुकते हैं, यानी अगर कभी पीरों के ऊपर झुक रहे हैं, टूल्स के ऊपर झुक रहे हैं, मुल्ला के ऊपर झुक रहे हैं, इनका ये है कि सेल्फ रिलायंस। और ये मेरे ख्याल सबसे बड़ी चीज जो मैंने हासिल की है, जो जिस पर यानी वाकई मैं कहती हूँ मैं जिंदगी गुजार रही हूँ, वो यही है कि सेल्फ रिलायंस। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये मेरी जिंदगी में ये था कि छोटे छोटे हादसा तो होते ही रहते हैं, कि लेकिन एक सबसे बड़ा हादसा जो मेरी जिंदगी में हुआ वो मैं इतनी सेल्फ रिलायंट हो चुकी थी कि उसके बाद यानी जिस तरह मैंने अपने आप को उसमें से निकाला है, वो सिर्फ इन्हीं की डिसिप्लिन और एजुकेशन से हो सकता था। यानी ये हादसा जिसमें कि यानी कि 1979 का वाकया था, जब वहाँ वो जो ताइफ में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मेरे भाई थे, लेकिन मैं एकदम उसमें से यूं निकली हूँ जो कि, और मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा जो आगे चलाया सब अपने तौर पर, मैं किसी के ऊपर झुकी नहीं। और ये थी सबसे बड़ी कामयाबी जिसके पीछे इतने साल थे, यानी 1957 से लेकर आज तक। अब ये है कि मैं देखती हूँ कि एक उस्ताद की हैसियत से क्लियर कॉलेज में, अब आजकल इतना दौरा है जी इस्लामाइजेशन, तो वहां अब ये है कि इस्लामियात की टीचर्स भी आ गई हैं जो वहां पहले नहीं होती थी। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जब भी कोई मसला पैदा होता है, चाहे वो इन औरतों का हो जो आजकल उठा हुआ है, या कोई और प्रॉब्लम जिंदगी का, वो मेरे पास आती है, उनके पास नहीं जाती। यानी इस्लामियात की जो टीचर है उनके पास नहीं जाती, और आप मेरे पास आएंगे और कहते हैं कि आप हमें बताएं इसका मतलब क्या है। और ये सिलसिला हर वक्त जारी रहता है, यानी कोई ना कोई मुझे डिस्कशन ग्रुप एक हफ्ते में लेना पड़ता है जो इस चीज के लिए वो पूछती है कि इसका मतलब क्या है। और मैं ये सोचती हूँ कि आइंदा के लिए इस लिटरेचर का यानी और कोई राइवल नहीं हो सकता। यानी ये जो भी इस्लामाइजेशन हुई है, जाहिर है इसका नतीजा एक रद्दअमल तो होगा, और जब वो होगा यानी या तो फिर यही होता है कि इंसान छोड़ के तोड़ के भाग जाता है, या फिर ये होगा कि वो खुद सोचना चाहते हैं। और मैं ये देखती हूँ कि सिवाय इस लिटरेचर के, और ये हुआ है, मेरे पास लोग आए हैं, यानी मेरी पुरानी स्टूडेंट्स या और भी कोई, कि जो कुछ हालात हैं अब हमें पता है कि आप हमें प्रेसब के पास ही लेके जाएं, उन्हीं का लिटरेचर है जो हमें अब आगे चलाएगा। इसलिए बहुत से सेल्स बनाए हैं लोगों ने, खासकर औरतों का तो मुझे पता है कि वो अब अपने तौर पर प्रेसब की किताबों को लेके वो खुद रिसर्च कर रही है, कहती अब हम मुल्ला के हाथ में कुछ नहीं छोड़ेंगे, अब हमने खुद पढ़ना है, खुद सोचना है। और ज़ाहरा उनकी जो ये होप है या उनकी ये जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ इसी लिटरेचर के ऊपर है। और ये मेरा जाती वो है, लोग जो मेरे साथ बात करते हैं और हमारी डिस्कशन होती है।